यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हम दोस्तों, सौरभ मैं है हूं और सौरभ आप है देख रहे हैं और ऑफिशियल रूम। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं J6+ के बारे में कि आप उसमें किस तरीके से FRP लॉक को रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं दो मेथड्स बताऊंगा, तो इस वीडियो का पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो जैसे कि पहला जो मेथड है, हम बताएंगे आपको एंड्रॉयड 9.0 में आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं विदाउट APK, विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के आप किस तरीके से उसको बाईपास कर सकते हैं। और प्लस आपको जो दूसरा जो मेथड है वो 8.1.1 में वर्क करेगा, क्योंकि ऐसे कई सारे भाई लोग हैं जिनको जिनको ये पता होता है कि भाई हमारे फोन में कौन सा वर्जन है, तो वर्जन के हिसाब से अपनी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि 9.0 में आप किस तरीके से बाईपास करते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे आ सकते हैं, और अगर आपको 8.1 में पता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसे किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। तो सिंपली आप उसके ऊपर टैप करना है, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, जो हमारा कीवर्ड का जो सेटिंग होता है। सो गाइस, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हैं कीवर्ड का सेटिंग है, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो एरो है वो बैक कर लीजिए, बैक करते हैं आपको गूगल वॉइस टाइप में चले जाना है। उसके बाद आपको सर्चिंग, आप देखते हैं ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं है, तो आपको ऊपर सर्च वाले पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च करना है ओपन वेब एप्लीकेशन। उसके बाद ओपन वेब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं ओपन वेब एप्लीकेशन के ऊपर जो लिखा है मैनेज पेंडिंग सर्च, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस, नो थैंक्स कर दीजिए। फिर सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सेटिंग, सेटिंग के अंदर चले जाइए। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, उस पर चले जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट्स को ऐड करना है। फिंगरप्रिंट्स ऐड करने से पहले आपको पैटर्न लॉक पिन कोड और पासवर्ड शो करता है, तो हम यहाँ पे आप पिन सेट कर लेते हैं। जहाँ पे पिन पैटर्न लॉक शो कर रहा था वहाँ पे आप पिन शो करेगा, तो हमने 1234512 कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारा पिन यहाँ पे सेट हो चुका है, तो अगर आप चाहते हो तो फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बैक कर लीजिए फिर अपने आप आसानी। उसके बाद जैसे ही आप वाईफाई पे आ जाए तो उसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट का ऑप्शन आएगा, फिर इंस्टॉलेशन अपडेट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पहले हमारा पैटर्न लॉक शो कर रहा था, अब यहाँ पे पिन शो कर रहा है, तो 1234 डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका जो गूगल अकाउंट था वो पूरी तरीके से बाईपास हो जाएगा, और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, तो स्किप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और जस्ट अ सेकंड, कुछ टाइम लगेगा और आपका पूरा जो फोन का कॉन्फ़िगरेशन उसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोन है वो पूरी तरीके से बाईपास हो चुका है, FRP पूरी तरीके से हट चुकी है हमारे फोन से। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है यहाँ पे, और कोई भी इशू हमारे फ़ोन में नहीं आ रही है इसमें। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन का वर्जन क्या है। अबाउट्स में जाते हैं, अबाउट्स में आने आप देखते हैं गैलेक्सी सिक्स J6+ है, इसमें एंड्रॉयड का 9.0 वर्जन पड़ा हुआ था। और अब चलिए अपने सेकेंड वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर है ये J610F/HD है, और इसमें हम पहले तो आपको करना क्या है, इसमें बहुत ही ईजी मेथड है। सबसे पहले अपने अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आप देखते हैं मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। साथ ही साथ जो आपकी सिम होगी उसके अंदर आप पिन लगा के रखिए, ठीक है। आप क्या करना है, नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद पहले मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है टाइम बचाने के लिए, फिर मैंने इसको सब कुछ आई एग्री कर दिया। आई एग्री करने के बाद चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें लॉक लगा हुआ है। सो गाइस, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे हमारा पिन कोई भी पिन मांग रहा है, जो हमने पहले इस फ़ोन में पिन डाला था वो यहाँ पे पिन मांग रहा है। और साथ ही साथ आप गूगल अकाउंट के थ्रू भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। अब ये दोनों ही चीज़ हमें नहीं पता तो हमें इसको बाईपास करना होगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा FRP लॉक लगा हुआ है, तो आप इसे बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद जैसे ही आप बैक कर लेंगे, सबसे बैक यहाँ पे आप देखते हैं ये हमारा वाईफाई से कनेक्टेड है। कनेक्ट होने के बाद आपको सीधे सीधे सिम को लगाना है इसमें, ठीक है। सिम को लगाने का भी एक टेक्निक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारी सिम ये आधी हमने डाल दी इसमें, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। और उसके बाद जैसे ही आप इसमें नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आपको ये सिम को इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करते ही आपका ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको क्या करना है, अपने सिम को हल्का सा इजेक्ट करना है बस। उसके बाद आपको जैसे ही आपका सिम पूरी तरीके से इजेक्ट, एक बार गलत डाल दीजिए पिन कोड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका ये सिम निकलेगा बाहर, वैसे ही आपको पावर के बटन को प्रेस कर देना है। अभी नहीं, ये हमने निकाला सिम और ये हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। ओहो, चला गया, फिर से करना पड़ेगा हमें, फिर से करते हैं। ये आया,
तो जैसे कि आप यहाँ देखते हैं हमारा ये हो चुका है, अब हमें सिम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। सो ओके कीजिए, ओके करने का इसको स्लाइड कीजिए। अगर आप सेटिंग्स के थ्रू जाना चाहते तो नहीं जा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको सीधे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में चले जाइए यूट्यूब एप्लीकेशन पर। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ दिखा हुआ इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट्स में, अबाउट्स में जाने के बाद यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशंस पे चले जाइए। यहाँ पे आपको सर्च करना है, एक लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वही डालनी है आपको, atix.com/FRP, ये सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। आपको यहाँ से सिंपली एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्विकशॉट। सो ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं हमारी डाउनलोड हो चुकी है, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको सेटिंग्स को सर्च कर लेना है, सेटिंग सर्च कर लीजिए। सेटिंग को ओपन कर लीजिए आप यहाँ से। ओपन करने के बाद आप ये देखते हैं हमारा ये पूरा ओपन हो चुका है। अब आपको बायोमेट्रिक लॉक पे चले जाना सिक्योरिटी पर। उसके बाद आपको सीधे इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर पे चले जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पैटर्न सेट कर लीजिए, पिन सेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे पैटर्न सेट करते हैं, जहाँ पे पिन आ रहा था वो चेंज हो जाएगा वहाँ पे। ओके कंटिन्यू, और यहाँ पे हम पैटर्न सेट कर लेते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पैटर्न सेट हो गया, अभी हम कह रहे हैं फिंगरप्रिंट ऐड करने को, तो अगर हम चाहे तो फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे हम, नहीं करना है हमें। बैक कर लीजिए सीधे सीधे, हमें ज़रूरत भी नहीं है इसकी। बैक कर लीजिए, सबसे बैक आ जाइए लास्ट में। ठीक है, बैक कर लीजिए। ओके, अब फिर से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट आई एग्री नेक्स्ट कर दीजिए। चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है, चेकिंग इन्फो। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे हमारा पैटर्न लॉक आ चुका है, जहाँ पे अब पिन लॉक आ रहा था, अब आपको सीधे पैटर्न लॉक डाल देना है। और विदाउट किसी भी जीमेल अकाउंट को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका FRP जो है बाईपास हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप स्किप कर लीजिए। और यहाँ पे आप जो भी नाम डालना है डाल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फ़ोन पूरी तरीके से बाईपास हो चुका है यहाँ पर, और कोई भी इशू नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी इशू नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ फाइनली वर्क कर रहा है हमारा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारा पूरी तरीके से हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। आशा करता हूँ आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।